नमस्ते दोस्तों, डॉक्टर रंजना मोटिवेशन चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को रेकी से कैसे क्लींजिंग करते हैं उस प्रक्रिया को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, जो लोग आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और पास की बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। तो दोस्तों, चलिए क्लींजिंग प्रक्रिया कैसे करते हैं शुरू करते हैं। उससे पहले दो बातें आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि इस क्लींजिंग प्रक्रिया में आप दो तरीके से इसको कर सकते हैं। पहला तो आप क्लींज करने के लिए आपको एक नमक पानी की कटोरा चाहिए या किसी भी कटोरे या बाल्टी ये कुछ भी आप ले सकते हैं। उस बाल्टी के पानी में आपको नमक डालना है और उसको आपके राइट साइड में एक साइड में रखना है। तो आप जब क्लींज करेंगे उसको नमक पानी में डालेंगे, लेकिन ये नमक पानी आपको जब ड्रेन आउट करना होगा बहुत ही सावधानी से करना होगा, क्योंकि उस नमक पानी अगर वो पानी गिरता है या किसी के शरीर में लगता है तो वो ठीक नहीं है। इसलिए इसको ड्रेन आउट करना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही सावधानी से उसको ड्रेन आउट करना है। इसके अलावा आप एक इमेजिनेशन से एक अग्निकुंड बना के भी आप क्लींजिंग कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे आप अग्निकुंड बना के भी कर सकते हैं या आप नमक पानी से भी क्लींज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो लोग रेकी में हैं, रेकी फर्स्ट लेवल के स्टूडेंट हो या सेकंड, थर्ड, फोर्थ अप टू ग्रैंड मास्टर, रेकी में क्लींजिंग एक ही तरीके से होते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट लेवल की स्टूडेंट हो, फर्स्ट डिग्री की स्टूडेंट हो, तो आपको सिंबल नहीं मिलेगा, तो आपको ऐसे ही प्लेन करना है। और अगर आप सेकंड या थर्ड इसके ऊपर की डिग्री की स्टूडेंट हो तो आपको सिंबल मिलेगा, तब आप इस प्रक्रिया में सिंबल को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग रेकी को कॉल करेंगे, रेकी को आह्वान करेंगे। मैं अपना आभार मानती हूँ, मैं रेकी शक्ति का आभार मानती हूँ, मैं अपने माताओं पिताओं का आभार मानती हूँ। हे रेकी शक्ति, ब्रह्मांड से आकर मेरी सातों चक्र होकर मेरी दो हाथों में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। ऐसे करके आप रेकी शक्ति को आप आह्वान किया, रेकी शक्ति को इन्वोक किया, कॉलिंग किया, ठीक है। उसके बाद और एक लाइन बोलेंगे कि हे रेकी शक्ति, मैं मेरे शरीर का और मेरे घर का, चारों ओर का घर या ऑफिसों का क्लींजिंग करेंगे तो मुझे सहाय करें। तो इसीलिए मेरे सामने 4 फुट ऊंचा एक अग्निकुंड बना दीजिए। आप रेकी को अग्निकुंड बनाने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। तो इस तरह से आपके राइट साइड में एक 4 फुट ऊंचा आपको एक अग्निकुंड बनाना है। तो आप ऐसे करके बनाएंगे, 3 बार राउंड राउंड करेंगे। हो गया आपका अग्निकुंड, अभी आपके एनर्जी फ्लो हो रहा है। आप इस हैंड में, लेफ्ट हैंड में आपका एनर्जी फ्लो होएगा। अगर आप फर्स्ट डिग्री के स्टूडेंट हैं तो आपको सिंबल ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ऐसे उंगली को कम के जैसा करेंगे, कम, तो कम के जैसे करके आपको सिर्फ ऐसे करना है, क्लींच 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 करके उस अग्निकुंड में जितना भी नेगेटिविटी है उसको निकाल के अग्निकुंड में डालना है। ऐसे करके क्लींच 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 करके आप डालेंगे। आप अपने चक्र को क्लींच कर सकते हैं, क्लींच 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 करके आप अग्निकुंड में डालेंगे। अगर आप सेकेंड डिग्री के स्टूडेंट हैं तो आप अपने राइट हैंड में चकुरे सिंबल ड्रा करेंगे, विजुअलाइज में करेंगे, चकुरे 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 करके आप, क्योंकि चकुरे क्लींस का भी काम करते हैं, तो आप बोलेंगे क्लींस 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 क्लींस। सेम एक ही प्रोसेस है, क्लींस 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 करके आप करेंगे। आप अपने घर के ऐसे तरफ से करके आप उस अग्निकुंड में डालेंगे। उसके बाद आपका जब क्लींजिंग हो जाएगा, आप 3 से 5 मिनट या 10 मिनट तक करेंगे। अगर आप किसी को हीलिंग करेंगे उस व्यक्ति का भी ठीक इसी तरह से आप क्लींजिंग कर सकते हैं। मैं डालेंगे लास्ट में, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप लास्ट में अपने दोनों हाथों को इस तरह से क्लींज करके अग्निकुंड में डाल के थैंक यू अग्निकुंडो, ये आपको बोलना ही है। ये हमेशा आपको याद रखना है कि ये थैंक यू अग्निकुंड बोलना है, क्योंकि थैंक यू अग्निकुंड जब बोलेंगे तभी अग्निकुंड बुझ जाएगा, नहीं तो ये जलते रहेगा। तो आपको इसको बोलना ही है। ठीक उसी तरह अगर आप नमक पानी लेते हैं तो आप जब क्लींज करेंगे, पूरा क्लींज
कि जितने भी नेगेटिविटी, गंदगी, जितने भी जो भी निकालेंगे वो सारी नमक पानी में डालेंगे, ठीक उसी तरह डालेंगे जिस तरह आप अग्निकुंड में क्लींजिंग किया है, अग्निकुंड में गंदगी डाला है, ठीक उसी तरह आप अपने शरीर का, अपने घर का, अपने ऑफिस का, जहाँ भी क्लींस किया है सारा गंदगी आप नमक पानी में डालेंगे और इस नमक पानी को आप अच्छे से ड्रेन आउट करेंगे। तो दोस्तों ये था क्लींजिंग प्रोसेस, इसको आप हर रोज हीलिंग से पहले करेंगे। अगर हर रोज नहीं भी कर सकते हैं तो हफ्ते में 3 बार तो ज़रूर करें, क्योंकि इससे आपका ऑरा भी क्लींज होगा, आपका शरीर भी क्लींज होगा और आपका घर का जो भी नेगेटिविटी, जो भी कुछ बुराइयां है वो सारे सब कुछ क्लींज हो जाएगा। तब जब आप हीलिंग करेंगे तो हीलिंग एनर्जी बहुत गुना पावरफुल होगा और आपको बहुत अच्छा फील होगा। दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं फिर कोई नए टिप्स और टेक्निक के साथ। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। नमस्ते।